लिंक भेजा है क्या? लाइव हूँ क्या मैं? समझ गए मैं अभी आप लोगों को, रहने दो अभी। लाइव हुआ है क्या? इस पे नहीं आ रहा है, सुनना। लेक्चर इज ऑल्सो बीन स्ट्रीम्ड ऑन द एप्लीकेशन, सो दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी ऑन द एप्लीकेशन, जस्ट मेक इट श्योर दैट द एप्लीकेशन इज प्रॉपरली वर्किंग। कुछ भी अगर टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो जब तक यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों में स्ट्रीम हो रहा है, मेक इट श्योर दैट यू आर गेटिंग द इश्यूज रिजॉल्व्ड। ओके, एंड अदर्स यू ऑल विल बी गेटिंग द आईडी पासवर्ड बाय टुडे इवनिंग। ओके, सो इफ योर एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज मेक इट श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग विथ माई टेक्निकल टीम बाय 7 o'clock इन द इवनिंग टूडे। एंड दोज हु हैव नॉट रिसीव द आईडी पासवर्ड बाय टूडे इवनिंग, यू ऑल विल बी रिसीविंग इट। ओके, चलो तब तक और एक दो दिन हम लोग यूट्यूब पे पैरेलली लेक्चर्स को रन करेंगे, ताकि जब तक आप अपने आप को सेटल नहीं कर लेते हो, ओके, हम लोग कंप्लीटली एप्लीकेशन पे शिफ्ट नहीं हो गए। चलो, लेट्स स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। लेट अस कंटिन्यू विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। और आज का जो सेशन है, दैट सेशन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वन पर्सन कंपनी, और इसी वन पर्सन कंपनी में कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोविजन है वो और ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक में वन पर्सन कंपनी जो है वो दिया गया है पेज नंबर 2.10 पे, 2.10 पे, 2.10। आपको नजर आ रहा है? देखो येलो में कुछ हाईलाइट किया है मैंने, मतलब क्या ये सेक्शन में अमेंडमेंट है? ओके, बट फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय अ वन पर्सन कंपनी? पहली बात तो एक बात बताओ मुझे, हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है, मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइवेट एंड पब्लिक। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। और प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में आपने दिए है 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, LRP। L किस बारे में बात करता है? लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑन व्हाट? द नंबर ऑफ मेंबर्स। R इज फॉर व्हाट? वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी जवाब देना है, कम ऑन, वेरी गुड हर्षित। R इज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, एंड P इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इनविटेशन टू द पब्लिक। ओके, जो प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है, मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है, एंड इट कैन गो फॉर अ पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब यही जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी,
private company mein, there is a further classification. And this classification is of a one person company. Toh pehli baat toh ye cheez samajh lijiye. A one person company is a private company. A one person company is a private company. But now there are certain special things for a one person company. One person company, naam mein likha hai. One person company. One. Jab humne private aur public company ka dekha tha, private company ko kam se kam incorporate karne ke liye lag rahe the do log. और पब्लिक कंपनी को कम से कम इनकॉर्पोरेट करने के लिए लग रहे थे 7. अरे हाँ है ना, 2 मेंबर्स एंड 7 मेंबर्स. साथ ही साथ मैनेजर्स मतलब डायरेक्टर्स कम से कम यहां पे लगते हैं 2 और कम से कम यहां पे लगते हैं 3. अब देखो 2013 की एक्ट के पहले, मैं कब की बात कर रही हूं, 2013 की एक्ट के पहले की बातें मैं कर रही हूं. तो 2013 के एक्ट के पहले there was no concept of a one person company. तो अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी भी है, आपको कम से कम 2 या कम से कम 7 लोगों की जरूरत थी. आपको कम से कम 2 या कम से कम 7 लोगों की जरूरत थी. अदरवाइज यू कुड नॉट हैव इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी. अब आप सोचो, सपोज आई हैव सम आइडिया, थोड़े बहुत फंड्स भी है मेरे पास और मुझे कंपनी के रूप में बिजनेस करना है. बिकॉज यू नो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. कल जाके अगर मेरे बिजनेस की एसेट्स कम हो जाती है और बिजनेस की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, मेरे को घर का पैसा इस्तेमाल करके इन क्रेडिटर्स को रीपे करना पड़ेगा. किसके कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, सोल प्रोप्राइटरशिप. बट जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वही है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज. यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड. मैं अकेली हूं, मुझे बिजनेस करना है. ये कब की बात है, 2013 के पहले की बात है. कब की बात है, 2013 की पहले की बात है. तब या तो आई इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, या तो आई डू बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. मैं अकेली कंपनी के रूप में बिजनेस नहीं कर सकती थी. मैं अकेली कंपनी के रूप में बिजनेस नहीं कर सकती थी. अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी भी है, अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी भी है, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लॉ के प्रोविजन के वजह से किसी एक पर्सन को खींच के लेके आना पड़ेगा टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी, या और 6 लोगों को लाना पड़ेगा टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी. सिर्फ ओनरशिप नहीं, डायरेक्टर्स में भी अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मैं तो एक हूं, बट और एक पर्सन को मेरे को लाना पड़ेगा टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स रहते हैं, 2, और पब्लिक कंपनी में 3. और पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मेरे अलावा और 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है. मतलब अब देखो, ये मजबूरी के वजह से जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ड्रैग समवन इनटू माय बिजनेस. आइडिया मेरी, मैनेज मुझे करना है, पैसा मेरा है और मुझे अपना कंट्रोल ओनरशिप का भी और मैनेजमेंट का भी किसी और के पास देना पड़ रहा है. बिकॉज लॉ मेकर्स कहते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है. मैं अकेली कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती. ये कौन से जमाने की मैं बात कर रही हूं, 2013 के पहले. आप सोचो, किसी को मैंने अननेसेसरी मेरे बिजनेस में ड्रैग कर लिया. आज तो हो सकता है हमारे बीच का रिश्ता अच्छा है, बट यू नेवर नो कल जाके जब पैसे आना शुरू हो जाएंगे, किस इंसान की नीयत कैसे बदल जाए उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं. बाहर वाले छोड़ो, घर के अंदर पैसों से रिलेटेड झगड़े हो जाते हैं. तो आप सोचो, वो बंदा तो ऐसी पोजीशन में आ जाएगा ना दैट नाउ ही विल हैव द कंट्रोल इन द कंपनी दैट आई थॉट आई वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट. क्योंकि डायरेक्टर्स का डिसीजन मेजॉरिटी से होता है. अगर 2 ही डायरेक्टर है, मैं हां कह रही हूं,
वो ना कह देता है, मेजॉरिटी आई नहीं, क्योंकि इक्वल है. इक्वल क्या मेजॉरिटी होता है? नहीं, मेजॉरिटी मतलब समथिंग मोर देन हाफ. मैं हाँ कह रही हूं, वो ना कह रहा है, दैट रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड एंड आई विल नेवर बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर एक्शन. तो अब ऐसे केस में ये बंदा तो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा ही सकता है. एंड दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो दैट इज व्हाई मोदी जी थॉट कि अब हमें जमाना बदलना है. वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स कॉर्पोरेटाइजेशन. और इसीलिए इन द एक्ट 2013 एक्ट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक अकेला पर्सन भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है. अगर आप फॉरेन के कंपनी लॉज देखते हो, सिंगापुर का, ब्रिटिश लॉज, ओके, ऑल दीज कंपनी लॉज ऑलरेडी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन पर्सन कंपनी लॉन्ग टाइम बैक. इंडिया में बस 2013 में हमने इस, क्या हुआ? इसको बोल सकते थे आप? डर गई मैं. दर्शन अलग है भाई बंदे का. कहां से आए हो बेटा? राजस्थान से. आई एम श्योर 100 वर्चुअल बच्चे भी डरे होंगे अचानक से, क्या हो रहा है. कैसे करती है? अच्छा ऐसा हुआ है क्या? अरे बट मुझे एटलीस्ट बोल तो दिया करो ना आप. मेक मी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग. पता नहीं, माय हार्ट स्किप्ड अ बीट फॉर अ मोमेंट भाई. भाई मेरे क्लास में आप इसको बोल सकते हो, या अमर भी है वहां पे, आप उसको बोल सकते हो, वो कर लेंगे. मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई अभी. तो कोई भी बच्चा आ जाता है, फैन चालू करता है, फैन बंद करता है और ऐसे चलते रहता है क्या? नहीं नहीं, मेरे क्लास में ऐसा नहीं होगा भाई. मुझे संभलने को 2-4 मिनट लग जाएंगे. राजस्थान के वर्चुअल बच्चे आपकी तारीफ कर रहे हैं. अन्नू कह रही है राजस्थान रॉक्स. वो आपको कह रही है राजस्थान को पता नहीं बच्चों. अब नाम तो नहीं बताया उसको, ठीक है. ओके, तो 2013 में मोदी जी ने जब ये कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन किया, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. तो आज के जमाने में आप अकेले भले ही क्यों ना हो, बट फिर भी आप अकेले कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. एंड फॉरगेट द नंबर ऑफ मेंबर्स, बट इवन डायरेक्टर्स एक रहा तो भी चलेगा. वैसे तो आपने, आप लोगों को पता है द डेफिनेशन ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. मैं चाहती हूं आप लोग एक साथ रीड करें. आपकी स्क्रीन पे मैंने दिया है ये जो डेफिनेशन है, ऑफकोर्स सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की गई है. और क्लॉज जो है दैट इज 62, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62. क्या है ये? वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन. वहां पे ब्रैकेट में दिया हुआ है वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन. मैं चाहती हूं सब लोग एक साथ इस डेफिनेशन को रीड करेंगे. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपने भी घर पे बैठे बैठे रीड करना है. कम ऑन नाउ. देखो गौर से देखो इस डेफिनेशन को. वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ वन पर्सन एज अ वन पर्सन एज अ मेंबर. में हमने कहा है एक ही बंदा चाहिए. मेंबर मतलब इस कंपनी का ओनर. डायरेक्टर्स से रिलेटेड यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डायरेक्टर्स और उससे रिलेटेड प्रोविजंस शुरू होते हैं सेक्शन नंबर 149 से. एंड 149 इज द फर्स्ट सेक्शन दैट विल बी टॉट टू यू इन सीए फाइनल. क्योंकि सीए इंटर में आपको सेक्शन 1 से लेकर है सेक्शन नंबर 148.
ऑडिट एंड ऑडिटर्स 149 से शुरू होता है हमारा डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजन, बट जहां मेंबर्स के लिए हमने कह दिया है 1% कंपनी, मतलब ऐसा ही बंदा जिसमें है 1% एज अ मेंबर, 1% एज अ मेंबर, 1% एज अ मेंबर, बट डायरेक्टर्स से रिलेटेड यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है. डायरेक्टर से रिलेटेड दिया गया है वहां पे मतलब कहां पे 149 सेक्शन नंबर 149. और जहां तक ओपीसी की मैं बात कर रही हूं, ओपीसी 1% कंपनी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, और एक चीज है नॉमिनेशन, बताने वाली हूं, डोंट वरी. डेफिनेशन अभी आप लोगों ने एक साथ पढ़ी है, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मतलब आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं ओपीसी के मेंबर्स की बात करूं तो मिनिमम कितने मेंबर्स हो गए और मैक्सिमम भी कितने हो गए, मैं आपको आगे बताने वाली हूं, बट क्योंकि यहां पे हम लोग कंपैरेटिव चार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी हल्की सी झलक दे रही हूं, फिर हमें डिटेल में तो आगे पढ़ना ही है, आज के सेशन में ही करना है. हर ओपीसी में ये जो सोल मेंबर है ना, इस बंदे को हम सोल मेंबर कहते हैं. सोल मेंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अकेला ही है, इकलौता है. सोल मतलब इकलौता मेंबर, और इसीलिए इस मेंबर को कहते हैं सोल मेंबर. इस सोल मेंबर को नॉमिनी अपॉइंट करना कंपल्सरी है. सो इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन. इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन. और ऑब्वियसली नॉमिनी वो बंदा रहेगा जो मेंबर की जगह लेगा मेंबर के जाने के बाद. तो आप खुद बताओ, अगर मेंबर एक ही हो सकता है तो लॉजिकली यार कॉमन सेंस नॉमिनी भी एक ही होना कंपल्सरी है. अरे सही या गलत? तो इसीलिए नॉमिनेशन करना कंपलसरी है. और नॉमिनेशन कितने लोगों के नाम पे करोगे? कितने नहीं, एक ही बंदे के नाम पे आपको करना होगा जो सोल मेंबर की जगह लेगा आफ्टर डेथ, और मे बी इनसॉल्वेंसी और मे बी इनसैनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल मेंबर, दिस नॉमिनी विल टेक हिज पोजिशन. हो सकता है ना सोल मेंबर की डेथ हो गई, इनसेन हो गया, मेबी इनसेन, नॉट ऑलवेज नेसेसरी मेंटली इनसेन. हो सकता है बंदा का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ही इज इन कोमा एंड नाउ देर इज वेरी फ्यू होप्स दैट ही विल रिकवर. गेटिंग दिस और नो? अब ऐसे केस में नाउ ही डजंट हैव द कैपेसिटी, बिकॉज आप लोग जानते हो कैपेसिटी मतलब दैट पर्सन शुड हैव अ साउंड माइंड, ही शुड बी एबल, यू नो, ही शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है एज अ सोल मेंबर, उनके क्या राइट्स है, उनकी क्या लाइबिलिटीज है, उनकी क्या जिम्मेदारी है. बट ये बंदा जो कोमा में है, क्या वो ये पोजिशन में है समझने के लिए क्या गुड है क्या बैड है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है? नहीं, वो पर्सन इनकेपेबल हो गया है, वो पर्सन इनकेपेबल हो गया है. एंड दैट इज वाई द सोल मेंबर विल टेक हिज, सॉरी, द नॉमिनी विल टेक द पोजिशन ऑफ द सोल मेंबर. बट जहां डायरेक्टर्स की बात है, जहां तक डायरेक्टर्स की बात है, कम से कम बोलो, एक दो या तीन, क्या जवाब है? ये यहां पे नहीं दिया गया है, सेक्शन नंबर 149 में दिया गया है. ये कहते हैं ओपीसी के केस में यू कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी इवन विद वन डायरेक्टर. वन, अरे वही तो ब्यूटी है ओपीसी की. अगर डायरेक्टर्स के लिए भी मिनिमम लिमिट दो कर देते थे, मतलब अब हमें मैनेजरियल पावर किसी और को देने पड़ते, और लॉ के वजह से अब वो बंदे को खींचना पड़ता, पैसा मेरा, कंपनी मेरी और मैनेजमेंट उसके हाथों में. फिर लॉजिक क्या हुआ ओपीसी को इंट्रोड्यूस करने का? इसीलिए ओपीसी के केस में एक्सेप्शनली हमने अलाउ किया है ओपीसी कैन हैव वन डायरेक्टर. बट जहां तक मैक्सिमम लिमिट की बात है ना, यस, मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट कहता है, चाहे आपकी ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी है,
या पब्लिक कंपनी है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ कंपनी इज 50. एवरी कैटेगरी ऑफ कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स अ वन पर्सन कंपनी. सो यहां पर देखो मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्या जरूरत है 15 डायरेक्टर की? अरे वो तो आप डिसाइड करोगे, आपने कितना बड़ा अंपायर क्रिएट किया है. हो सकता है मैंने ओपीसी के रूप में बिजनेस शुरू किया, आज मैंने शुरू किया पुणे में, फिर दिल्ली में, इंदौर में, अब मेरे ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी है, तो अकेली मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है. तो नाउ ऐसे केस में आई एम अपॉइंटिंग मोर पीपल इनटू द मैनेजमेंट. अरे हो सकता है ना एक अकेला बंदा है, बड़ा एम्पायर उसने क्रिएट किया, ओनरशिप उसने कंप्लीट अपने पास रखी है, बट नाउ मैनेजमेंट लेवल पे, क्योंकि देखो बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं जब बिजनेस ग्रो होता है ना, सबसे पहला लिमिटेशन आता है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन. आज मैं अगर पुणे में बैठी हूं, आई कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द दिल्ली गुरुकुल, इन द इंदौर गुरुकुल. ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिजिकल बैरियर. सेकेंड, समय का बैरियर. टाइम भी तो लिमिटेड है, एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा. तो अब मैं चाहती हूं कि मेरे साथ और कोई पर्सन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे. तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ साथ और 14. कुल मिला के देर कैन बी 15 डायरेक्टर्स इवन इन द केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. तो बताओ मुझे वापस से, एक चार्ट में निकालती हूं, आप लोगों ने फटाफट जवाब देना है मुझे, ठीक है? लिखने का काम बाद में करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कौन से पीपीटीज आपको लोगों ने लिखने हैं. पहले आप लोग जवाब दो मुझे, प्राइवेट, अच्छा पब्लिक कंपनी पहले लिखा हुआ, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 एंड ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62. अब मिनिमम और मैक्सिमम बताओ, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम पब्लिक कंपनी, प्राइवेट एंड ओपीसी, वेरी गुड. मैक्सिमम बताओ पब्लिक कंपनी, देर इज नो लिमिट, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक है. प्राइवेट कंपनी में 200 का लिमिट है, और जिस कंपनी में 200 का लिमिट नहीं होता है वो पब्लिक कंपनी होती है. मतलब पब्लिक कंपनी में देर इज नो लिमिट, हजारों क्या लाखों करोड़ों मेंबर्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में है बट 200, और ओपीसी में देर कैन बी ओनली वन मेंबर. तो यही वन मिनिमम है, यही वन मैक्सिमम भी है. जहां तक डायरेक्टर्स की बात है, डायरेक्टर्स आप बता सकते हो पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी? 7 नहीं बेटा, 7 इज नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स आर द ओनर्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स. मिनिमम डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 3, प्राइवेट कंपनी इज 2, ओपीसी के लिए हमने अलाउ किया है 1. दिस इज मिनिमम. अगर आप चाहते हो क्या 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अप टू 15. ओके, सो यू कैन हैव अप टू 15 डायरेक्टर्स इवन इन द केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. इवन इन द केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी के केस में क्या नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? Yes. हाँ या ना? सो नॉमिनेशन करना कंपलसरी है. अब सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, हु कैन बिकम द सोल मेंबर और द नॉमिनी ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. ये सब आप बाद में लिखोगे, बाद में सब लोग साथ में लिखना, हु कैन बिकम the sole member or the nominee of a one person company. Very good. Ankit, Sakshi, Rocky, Shrutam, who can become the sole member or the nominee ऑफ अ वन पर्सन कंपनी? सबसे पहला रिक्वायरमेंट, यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन.
नेचुरल पर्सन, देखो अ पर्सन कैन ईदर बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल जैसे अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एन LLP इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सही है गलत? नेचुरल पीपल लाइक यू एंड मी, ओके, विच आर बॉर्न नेचुरली, नॉट क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट. तो देखो अ कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एन OPC. सही है गलत? अ कंपनी, कंपनी नेचुरल है या आर्टिफिशियल? कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अ OPC. बट यू एंड मी, वी कैन इन आर इंडिविजुअल कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट अ OPC. सो यू हैव टू बी अ, अरे बोलो ना, नेचुरल पर्सन. सेकेंड, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन. होना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बताओ मुझे, अंबानी जी क्या इंडियन सिटीजन है? आप इंडियन सिटीजन हो? मैं इंडियन सिटीजन हूँ? नारायण मूर्ति इंडियन सिटीजन है? रतन टाटा है? तो क्या ये लोग OPC इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? बट अब तीसरा जो पॉइंट है, आई विल जस्ट राइट इट इन रेड बिकॉज इट्स एन अमेंडमेंट. दो चीजें हैं, दो अमेंडमेंट्स है. देखो, नेचुरल पर्सन, इमोशनल हो गया बच्चा, ये आपके अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू कवर हुआ था क्या फाउंडेशन में? ओके, सो वेदर यू आर अ रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, इसको क्या हो गया, वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज. सो बेसिकली आफ्टर दिस अमेंडमेंट मोदी जी कहते हैं, आप नेचुरल पर्सन हो, आप भारतीय हो, मेरे लिए काफी है, आप इंडिया में आके OPC को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप भारतीय हो, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया के बाहर जाके आप काम कर रहे हो, आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, आप इंडिया में 365 डेज ही रह रहे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं. वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज विल नॉट मेक अ डिफरेंस. इस क्लासरूम में से या वर्चुअल स्टूडेंट्स में से कोई है जिनके पेरेंट्स या भैया दीदी इंडिया के बाहर जाके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? कहां पे रहते बेटा आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर? कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया. आपका इंडियन सिटीजन है या ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप? इंडियन है ना, हाँ ठीक है. दुबई, USA. ब्रदर पेरिस में रह रहा है? आपसे बात करती हूं मैं बाद में. कहां पे? USA. अब देखो इनके जो दुबई, कौन? मम्मी पापा के भाई, मासी. तो देखो किसी की मासी, मम्मी पापा, भैया दीदी, ये लोग सब भारतीय है, अरे है या नहीं? अरे ये लोग दो जवाब, हाँ या ना? बट फिर भी क्या इंडिया के बाहर रह रहे हैं? बट मोदी जी कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया में काम कर रहे हो या इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो या इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, एंड ऑफकोर्स यू शुड ऑल्सो बी अ मेजर, तो हम आपको अलाव करेंगे. आपका देश है ये भारत, आपका देश है, तो ऑब्वियसली बात है आप इंडिया में आके OPC इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अगर आप मोदी जी के फॉलोअर हो, यू विल ऑलवेज सी दैट ही इज एनकरेजिंग दिस. यस और नो? हर चीज उन्होंने एनकरेज की है, चाहे वो छोटा बिजनेस शुरू करने से घर पे क्यों ना हो, या चाहे वो इंडियंस हु आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, उनकी भी क्यों ना बात की जाओ. हर एक बंदे को मोदी जी ने एनकरेज किया. आपको पता है कुछ समय पहले मोदी जी ना USA गए थे, ओके, जब इलेक्शंस चालू थे, ओके, डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट करने के लिए हम कह सकते हैं, ओके, दैट टाइम लाखों लोग यहां पर आए थे उस स्टेडियम में, ओके, यस, यू ऑल नो दिस. एंड ये जो लाखों लोग थे ना, ये लाखों लोग US citizens नहीं,
इंडियन सिटीजन्स थे। आप सोचो ऐसे अगर मोदी जी जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो भारतीय लोगों के लिए करना पड़ेगा ना। और फाइनली ओपीसी करके इनकॉर्पोरेट करके वो फॉरेन देश का कमाया हुआ पैसा इंडिया में ही ला रहे हैं ना। समझने की कोशिश करो तो हम क्यों मना करें। अर्लियर बिफोर द अमेंडमेंट ऐसा नहीं था। बिफोर द अमेंडमेंट ना इट सेड नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन, वो तो है, बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मोदी जी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप बाहर जाओ वहां पे कमाओ और आके बिजनेस इंडिया में करो, ठीक है। यू कैन इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी। आई जस्ट प्ले दिस स्मॉल वीडियो, मैं पूरा वीडियो डिटेल में नहीं बताती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट जस्ट लुक एट द पीपल क्राउड। करोड़ों लाखों करोड़ों लोग ये स्टेडियम में बैठे हैं। Good morning, Houston. Good morning, Texas. देख के आपको समझ जाएगा भारतीय है। और कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने इंडिया का फ्लैग भी प्राउडली होल्ड किया है। ऑल दीज आर इंडियन सिटीजन्स। गुड मॉर्निंग अमेरिका। ग्रीटिंग्स to my fellow Indians in India and around the world. Greetings to my fellow Indians in India and around the world. तो कैसा हो सकता है कि इंडियन है बट बंदा इंडिया में नहीं रह रहा है, इंडिया के बाहर रह रहा है। Friends, this morning we have a very special person with us. ठीक है, अभी वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं, बट मेरे को आपको ये बताना है। एंट्री ऐसे मत कीजिए यार, हर इंसान को इज्जत दीजिए। ये देखिए, या ये मैं जो बता रहा हूँ। Witnessing Mr. President around the world in different time zones are with us today. They are witnessing history in the making. आप देखो ये सारे लोग इंडियंस ही है जो अमेरिका में सेटल्ड है। You had introduced me to your family in 2017. And today, I have the honor to introduce you to my family. नहीं, बहुत सही बोलते हैं यार वो। Look at all these Indians who are sitting in America. And gentlemen, हमारी ही क्लास में इतने सारे घर वाले जो है इन लोगों के वो वहां पे सेटल्ड है। तो आप सोचो इंडिया देश कितना बड़ा देश है, कितने सारे लोग हैं। अरे आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना है कभी? हु इज मिस्टर सुंदर पिचाई? द सीईओ ऑफ गूगल इंक। ही इज एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू से दैट। बट नाउ इट मे हैपन दैट ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मे हैपन मेजोरिटी डेज इन एन ईयर ही स्टेज इन अमेरिका ओनली। मे बी आते हो गए महीने में एक आधा वीकेंड इंडिया में रिलैक्स करने के लिए, हॉलिडे मनाने के लिए, फेस्टिवल कोई मनाने के लिए। बट माइट हैपन दैट ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट कैन ही इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी? यस, आफ्टर दिस अमेंडमेंट। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ बिकॉज ऑफ मोदी जी, वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज विल नॉट मेक अ डिफरेंस। यू आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी। तो देखो चार चीजों का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी। कौन सी चार चीजें बोलो तो? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर। और इसी रूल में ना एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है दैट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 days, नॉट लेस देन 120। सो एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि आपको हम रेसिडेंट मानेंगे कब मानेंगे,
जब आप इंडिया में रहे हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज 182 डेज नहीं, कितना है 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो ये चार कंडीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी. वापस से मुझे बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर, क्या नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? मिनिमम नॉमिनी, मैक्सिमम नॉमिनी, कौन है एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, मतलब टू बिकम द सोल मेंबर और टू बिकम द नॉमिनी? बोलो, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर. और एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है दैट यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. और बहुत सारी चर्चा, और आधा घंटा चर्चा हमने ओपीसी के बारे में करनी है. जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है प्लीज राइट दिस डाउन ऑन अ स्टिक नोट, और जिनके पास नहीं है यू ऑल कैन राइट इट इन योर नोटबुक. ये सिर्फ पीपीटी देखो ना, एक चीज मेरे को आपको बतानी है. ये देखो ना एक बार, सुनो 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 सुनो, यहां पे दिया हुआ है हु कैन बी अ मेंबर. जहां तक ओपीसी की बात है, ओपीसी की, हाँ, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन होना जरूरी है. प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है. इवन एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी. ये चार्ट लिख लो आप लोग. दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? नहीं ना. जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, वर्चुअल स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन राइट इट इन योर नोटबुक. दर्शन प्लीज लिख दीजिए, समय दिया है मैंने आपको लिखने के लिए. हो गया लिख के? कुछ अच्छे गाने लगाती हूं. गणपति पापा के एक मिनट, ऐसे गाना नहीं सुनने तो ये वाला सुन, थोड़ा सा ठीक है गाना. जल्दी जल्दी लिखो.
पिछे दुनियादारी छड तू आया वे गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई मेरे पिछे दुनियादारी छड तू आया वे ओ सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी दिल दी है जागीर तेरा मैं ना लिखवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा I'm assuming that you all are done with that writing part. 3 minutes, आप वही पीपीटी लिख रहे हो? बाद में कंप्लीट कर लो अभी. क्या ऐसे कर रहे हो? लास्ट 30 सेकंड. सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी हाँ कर दे तू मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा तेरे बिन नहीं मैं जीना नहीं जाना बेबी ओ द वन कितनी सोनी लगदी सोह है रब दी यू हार्डर देन द सन तेरे बिन बन जा तू मेरी रानी कितनी सोनी लगदी सौं है रब दी बन मेरी महबूबा तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना या बन जा तू मेरा जानी हाँ मैं सोनी लगदी सौं है रब दी तेनू महल दवा दूंगा ये लिख लो अभी Okay, I think you are done with the writing part. Preeti, I'll announce this after the class gets over, okay? Preeti and Shrutam, please ruk jaiye. Okay. तो एक बार वापस से मुझे बताइए अगर आपको बनना है किसी ओपीसी का सोल मेंबर या अगर आपको बनना है किसी ओपीसी का नॉमिनी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बोलो नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज
एंड यू शुड बी अ मेजर. अब देखो, एक समय पे यू कैन ओनली बी, एक समय पे यू कैन ओनली बी द सोल मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड द नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी. एक समय पे आप दो ही चीजें कर सकते हो, एक जगह का सोल मेंबर होना और ज्यादा से ज्यादा दूसरी कोई कंपनी जो है, जो ओपीसी है, उसके आप कौन हो, नॉमिनी. आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक से ज्यादा ओपीसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरी 10 ओपीसी है, आई कैन ओनली हैव 1 ओपीसी. उससे एडिशनली अगर मुझे कुछ करना है तो यस, वन थिंग इज पॉसिबल एंड दैट इज आई कैन बी द नॉमिनी ऑफ सम अदर ओपीसी. अब देखो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो सकता है, जिस ओपीसी की मैं नॉमिनी थी ना, उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हो जाएगा, अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाती है, नॉमिनी सोल मेंबर की जगह ले लेता है. नॉमिनी कौन है, मैं. तो क्या अब मैं उस ओपीसी की भी सोल मेंबर बन गई? मैं मेरे वाले ओपीसी की तो सोल मेंबर थी, बट अब लॉ के तहत मैं उस ओपीसी की भी सोल मेंबर बन गई. मीन्स आई हैव बिकम द सोल मेंबर ऑफ टू ओपीसीज. आई हैव बिकम द सोल मेंबर ऑफ टू ओपीसीज, बट दिस आई डिड नॉट डू पर्पजली. क्या ये मैंने जानबूझ के किया है या लॉ मेकर को धोखा देना है, मेरे इंटेंशंस खराब है, उस इंटेंशन से क्या मैं दो ओपीसीज की सोल मेंबर बनी हूं? नहीं. डेथ इज समथिंग दैट इज नेचुरल एंड इट हैपेंड ऑटोमेटिकली. एंड ऑफकोर्स आफ्टर द डेथ लॉ फॉलोड एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एज द नॉमिनी आई बिकेम द सोल मेंबर. तो जो हुआ वो जरूर मेरे हाथों में नहीं था, बट आगे क्या करना है वो मेरे हाथों में है. और लॉ मेकर्स इसीलिए कहते हैं वी गिव यू अ टाइम पीरियड ऑफ 182 डेज. वी विल गिव यू अ टाइम पीरियड ऑफ 182 डेज. ओके, रफली 6 मंथ समझ लो, रफली. एग्जैक्ट नहीं होते, एग्जैक्ट अगर बोलना है तो 182 डेज. 182 डेज के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ओपीसी में सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना है. एंड 6 मंथ्स इज अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. 182 डेज इज सफिशिएंट टाइम. ये 182 डेज में आप डिसाइड करो कि आपको कौन से कंपनी में ओपीसी सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना है. एंड ऑफ कोर्स दूसरी वाली जो कंपनी है, फिर जहां पे आप सोल मेंबर बने हो, आप आपकी मेंबरशिप किसी और को ट्रांसफर कर लो एंड देन दैट पर्सन विल अपॉइंट यू मे बी एज द नॉमिनी और इफ ही विशेज समबडी एल्स एज द नॉमिनी. बट 182 डेज से ज्यादा आप कोई भी एक में ही कंटिन्यू करना, दोनों में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. इतनी बात समझ में आई? धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं. पहले यहां पे आ जाओ थोड़ा सा. अच्छा, नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है, सही या गलत? बट जब आप किसी पर्सन को नॉमिनी की तरह अपॉइंट करते हो ना, उसका कंसेंट लेना जरूरी है. उसका कंसेंट, एंड दिस कंसेंट हैज टू बी अ रिटन कंसेंट. दिस कंसेंट हैज टू बी अ रिटन कंसेंट. इसका एक फॉर्म नंबर भी है, INC3. INC3 बताने वाली हूं, अभी बताने वाली हूं मैं. तो रिटन कंसेंट लेते हो और आप ROC को भी इस बारे में बताते हो. अगर आपकी इच्छा है कि आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, अच्छा क्या नॉमिनी भी बोल सकता है अब मुझे आपकी ओपीसी में नॉमिनी की तरह नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई कंसेंट? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है. बट ये याद रखना, एक समय पे, ये देखो यहां पे पेज नंबर 2.10 पे प्लीज सब लोग आ जाइए. पहले तो ये सारे पॉइंट्स है. ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर अ रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और इज एलिजिबल टू बिकम द नॉमिनी.
मतलब या तो आप सोल मेंबर बन सकते हो या तो आप नॉमिनी बन सकते हो. उसके लिए ये तीनों कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है. और रेसिडेंट इन इंडिया को एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ओके, अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी. तो आप ज्यादा से ज्यादा एक ओपीसी के सोल मेंबर और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो. सही या गलत? Where a natural person being a member in an OPC becomes a member in another such company by virtue of him being a nominee in that OPC. तो जिस OPC के आप nominee थे वो sole member की जगह आपने ले ली, जिसके वजह से अब आप क्या बन गए हो? Sole member बन गए हो उस OPC के भी. उस OPC के मतलब किस OPC के? जिस OPC के आप पहले nominee थे. तब ऐसे केस में you have to meet the eligibility criteria. What is the eligibility criteria? This is the eligibility criteria. Within a period of 182 days. So within a period of 182 days, you have to decide कि कौन से ओपीसी में आपको सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना है. कौन से ओपीसी में आपको सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना है. माइनर जो है ना ही वो नॉमिनी बन सकता है ना ही सोल मेंबर बन सकता है. सो यू शुड ऑल्सो बी अ मेजर. तो इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने पॉइंट नंबर 4 ऐड कर दिया है, मेजर. सही है गलत? वो वाली चिट्ठी आप कहां पे चिपकाओगे? यहां पे. कौन सी वाली चिट्ठी? जिसमें आपने ये लिखा है हु कैन बिकम द सोल मेंबर और द नॉमिनी ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. नोटबुक में लिखा है क्या आपने? यहां पे लिखा है ना, तो यहां पे चिपका दो ये चिट्ठी. कहां चिपका ये? ठीक है, कोई बात नहीं. ओपीसी के इधर उधर ही चिपकाना, कहीं कहीं तो भी अलग जगह पे मत चिपका देना बस. हाँ तो हाँ, हो सकता है ना. कोई भी चूज करो आप, जरूरी नहीं है आपकी कंपनी का ही ओपीसी बनना जरूरी है. जिस कंपनी में आप नॉमिनी थे बाद में आप सोल मेंबर बन गए, वहां पे भी आप सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू कर सकते हो. बट आपको आपकी कंपनी के लिए कोई दूसरा सोल मेंबर लगाना पड़ेगा. फिर 182 डेज के बाद आप दो जगह के सोल मेंबर नहीं हो सकते. नहीं, फिर कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा. फिर कॉन्ट्रावेंशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको मतलब पनिशमेंट होगी बेसिकली आपको, है ना. डायरेक्टर्स फिर आगे का काम करेंगे. डायरेक्टर्स विल डू द नीडफुल. देन वो बताती हूँ मैं आपको. अब ये नॉमिनेशन से रिलेटेड, हाँ बोलो. किसने बोला? हाँ क्यों? डायरेक्टर थोड़ी ना सोल मेंबर बनता है, नॉमिनी सोल मेंबर बनता है ना. और डायरेक्टर्स अलग, मेंबर्स अलग. डायरेक्टर 15 भी होने दो, सोल मेंबर की जगह डायरेक्टर्स नहीं नॉमिनी लेता है. ठीक है? नहीं हो सकता है, वही तो मैं बोल रही हूं. एक ही जगह का नॉमिनी हो सकता है और एक ही जगह का सोल मेंबर हो सकता है. नॉमिनी भी आप 10 जगह पे नहीं हो सकते हो, सोल मेंबर भी आप 10 जगह नहीं हो सकते हो. ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल है एक जगह का सोल मेंबर और दूसरी जगह का नॉमिनी. इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस कंपनी की मैं ओपीसी में सोल मेंबर हूं मेरी जगह नॉमिनी ले लेगा. ठीक है? और जिस कंपनी में मैं नॉमिनी थी
सोल मेंबर मेरी जगह पे किसी और को अपॉइंट करेगा. सिंपल. कैसे? नहीं, सब्सिडरी भी बना ही नहीं सकते. क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. हाउ कैन माय कंपनी होल्ड द शेयर्स ऑफ द वन पर्सन कंपनी? बिकॉज माय कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, इट्स नॉट लीगली पॉसिबल. कौन किसके शेयर्स ले रहा है? पॉसिबल नहीं है. आपका क्वेश्चन गलत है बेटा. मैं बताती हूँ आपको डिटेल में क्लास के बाद. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट लीगली पॉसिबल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट द बुक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बुक्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड. यू विल गेट द बुक्स, डोंट वरी. अनु पारेख, संभालो अपने आप को. ओके, चलो आ जाइए. नाउ अभी आपने कब एडमिशन लिया उसके हिसाब से डिसाइड होगा आपको कब बुक्स मिलेगी फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों को बुक्स डिस्पैच की जाती है. अगर आपने बहुत पहले एडमिशन ले लिया है, आपकी बुक्स डिस्पैच हो चुकी होगी. आपने अगर कल ही एडमिशन लिया है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट द बुक्स टुडे? दैट्स नॉट पॉसिबल. वी आर स्टेइंग इन इंडिया. इफ यू स्टे इन सम अदर कंट्री ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम ऑब्वियसली. चलो, अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. चलो मैं बात करना चाहती हूं नॉमिनेशन की. ये नई चीज है, कुछ मजा आएगा आपको. आप बताओ मुझे, आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट की और ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपने किसी नॉमिनी को भी अपॉइंट किया है, क्योंकि नॉमिनेशन करना कंपल्सरी होता है. जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तभी आप नॉमिनी का नाम दे देते हो. इनफैक्ट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें आप नेम क्लॉज लिखते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज लिखते हो, लायबिलिटी ऑब्जेक्ट कैपिटल क्लॉज तो लिखते हो. ओपीसी के केस में आपको नॉमिनी का नाम भी लिखना होता है. सो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ही आप नॉमिनी का नाम देते हो, उसका कंसेंट लेते हो, सब कुछ हो जाता है. और अब आपकी ओपीसी इनकॉर्पोरेट हो गई है. अब कुछ साल हो गए ओपीसी चला के, आपको वो नॉमिनी को चेंज करना है. क्या आप चेंज कर सकते हो? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है उल्टा, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ नॉमिनी. क्या यह भी चीज पॉसिबल है? क्या आप किसी को जबरदस्ती से नॉमिनी रहने के लिए बोल सकते हो? तो यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं होने वाली है. यहां पे क्या होने वाला है? आपकी इच्छा, कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो व्हाट इज अ प्रोसेस मैम? If you want to change the nominee or if the nominee wants to withdraw his consent, obviously there will be some process. So what is going to be this process in order to remove a nominee or if the nominee wants to withdraw his consent? Suniye meri baat, kya hua hai yahan pe? ये पीपीटी कुछ थोड़े चेंज करने पड़ेंगे. कैसे? ये देखो यहां पे क्या हुआ है, बताते हूं आपको. ओके, दीपिका पादुकोण ने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट की. सो इज शी द सोल मेंबर ऑफ दिस ओपीसी?
इसी कंपनी का नाम है दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी. क्या वन पर्सन कंपनी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? इसलिए देखो, गौर से देखो, कंपनी का नाम क्या है? दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है वन पर्सन कंपनी. हर वन पर्सन कंपनी को क्या नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है? अरे हाँ, है ना. तो दीपिका पादुकोण ने, अरे कुछ समय पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी ना, अपॉइंट किया रणबीर कपूर को एज हर नॉमिनी. अब देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था तब तो दीपिका जी ने क्या किया था, रणबीर कपूर को नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया था, उसका कंसेंट लिया था, उसने कंसेंट दे भी दिया था, और ऐसे करके इसकी प्राइवेट कंपनी जो ओपीसी के रूप में वो इनकॉर्पोरेट हो गए. बट उनके बीच में पर्सनली कुछ ठीक चला नहीं. ओके देखो बेचारी रो रही है वो. और अब क्योंकि वो साथ है नहीं, वो चाहती है, कौन वो, मतलब दीपिका चाहती है कि वो रणबीर कपूर को नॉमिनी के जगह से निकाल दे. क्या वो निकाल सकती है? और उसी के जगह पे क्या किसी और को नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर सकती है? अरे हाँ, है ना. अब क्योंकि वो है नहीं साथ पर्सनल लेवल पे, तो बिजनेस भी क्यों साथ करे. तो इसीलिए अब दीपिका ने क्या किया है, रणबीर कपूर को नॉमिनी की जगह से हटा दिया है और उसी की जगह पे किसी और को अपॉइंट किया है एज द न्यू नॉमिनी. क्या ये पॉसिबल है? सो राइट नाउ फॉर द सेम ओपीसी शी हैज अपॉइंटेड रणबीर सिंह एज हर न्यू नॉमिनी. यहां पे क्या हुआ है, सोल मेंबर ने एग्जिस्टिंग नॉमिनी को रिमूव किया है और उसके जगह पे नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. जब आप नया नॉमिनी अपॉइंट करते हो, क्या ये नए नॉमिनी का भी कंसेंट लेना जरूरी है? हाँ या ना. और इन्हीं चीजों के बारे में मम्मा को, आरओसी को बताना जरूरी है. देखो देखो, हमने वो थ्री टायर सिस्टम देखा था. निर्मला सीतारमन ने अपनी फौज बनाई है 7 RDs और 25 आज के जमाने में आरओसी से. देखो, आरओसी इज द पर्सन हु इज रियली कनेक्टेड विद द कंपनीज ग्राउंड लेवल पे. आरओसी कनेक्टेड है जैसे कि बच्चा अपनी मां से कनेक्टेड होता है. और जब आप कंपनीज एक्ट के आगे आगे कुछ प्रोविजंस देखोगे ना, यूजुअली जो बड़े डिसीजंस की बात होती है जैसे कि लाइसेंस रिवोक करना, ओके यस, सच थिंग्स का अप्रूवल इज यूजुअली टेकन फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर. कुछ कंपनी ने बड़ा कांड किया है, कंपनी को सजा देनी है, ओके, या तो फिर कंपनी को ऐसी कोई चीज करनी है जो यूजुअली कंपनीज नहीं करते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होता है, तो दिस परमिशन ना इज टेकन बाय द रीजनल डायरेक्टर. लाइक आई विल जस्ट टेल यू, कंपनी को अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, वो भी स्टेट के बाहर, स्टेट के बाहर. कंपनी काम कर रही है इंदौर में, कंपनी को जाना है राजस्थान में, है ना. तो इंदौर से राजस्थान जाना इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन. मैं पुणे कैंप टू पुणे एफसी रोड शिफ्ट होने की बात नहीं कर रही हूं, मैं इंदौर से राजस्थान शिफ्ट होने की बात कर रही हूं. हो सकता है आपके इरादे वाहिया दे, आपको क्रेडिटर्स को धोखा दे रहा है, या शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आप नहीं चाहते हो कि ज्यादा लोग अटेंड करें, मेजॉरिटी लोग इंदौर के ही है, बड़े बातें करते हैं, बड़े सवाल पूछते हैं, चलो राजस्थान में जाते हैं. हो सकता है सही नहीं है आपके इरादे, तो इसीलिए हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप खुद अपने आप में डिसीजन नहीं लोगे. ऐसा बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है, आपको लेना पड़ेगा किसका परमिशन? पापा का, रीजनल डायरेक्टर का. यूजुअली पुणे के पुणे अगर घूमना है, चलो संडे है, चले गए सिंहगढ़, चले गए खड़कवासला, चले गए तो ऐसी छोटी छोटी बातों, या मूवी चले गए, मॉल में चले गए, पापा के पास नहीं जाते हो, मम्मा के पास ही जाते हो. हाँ या ना. लाइक आरओसी छोटी बात है, हो जाएगा मैनेज. बट अगर आप बोलते हो चलो अभी 3 दिन की छुट्टी है, 9, 10, 11 गोवा जाके आते हैं, मम्मी कहेगी गोवा जाना है, नहीं नहीं नहीं
मेरे पास इस चीज की परमिशन नहीं लेनी है, आपको किसके पास जाना है? पापा के पास, रीजनल डायरेक्टर। अब देखो ये जो बात है, ये किसको बताओगे, मम्मा या पापा? अरे ये कंपनी का आपसी मामला है, कंपनी सोल मेंबर की है, पैसा सोल मेंबर का है, ओनर सोल मेंबर है। अरे उसकी मर्जी चलेगी ना, उसकी कंपनी, उसका पैसा, उसकी मर्जी। उसको रणबीर कपूर चाहिए या रणबीर सिंह एज द नॉमिनी? तब ऐसे केस में यू आर नॉट गोइंग टू आस्क पापाज परमिशन फॉर दैट। यू योरसेल्फ डिसाइड यू वांट टू कीप हिम और यू डू नॉट वांट टू कीप हिम। इनफैक्ट हम तो कह रहे हैं आप उसको निकाल भी दो और रणबीर सिंह को लेके भी आ जाओ, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इतना चाहते हैं आप मम्मी को इस बारे में बताओ, इन्फॉर्म करो, मैं संडे मॉल घूमने जाने वाला हूं। पूछता कोई नहीं है, बोलता है जाने वाला हूं, जाने वाली हूं पिक्चर देखने। सो दिस इज द सेम थिंग, आप मम्मी को बता रहे हो कि हे मम्मी देखो रणबीर कपूर को अब और रणबीर सिंह को ओके अच्छा क्या और एक चीज हो सकती है? हाँ यहाँ पे मेरे को थोड़े से पीपीटी चेंज करने पड़ेंगे, कैसे इन लोगों के हाँ रिलेशन इतने जल्दी बदलते हैं ना, वो पीपीटी इतने जल्दी अपडेट करने नहीं आते। देखो दिया है ऐसे पीपीटी बुक में नहीं दिए बेटा क्या बोल रहा हो? देखो अब केस नंबर टू, दीपिका पादुकोण ने इनकॉर्पोरेट किया एक ओपीसी इन द नेम ऑफ दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड और उसी के नॉमिनी को उन्होंने अपॉइंट किया है एज रणबीर कपूर। दिस वाज लॉन्ग टाइम बैक व्हेन शी इनकॉर्पोरेटेड द ओपीसी। अब देखो ना नॉमिनी को ही कोई और मिल गया, अब ये पीपीटी पुराना है वही मैं बोल रही हूँ अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे अभी आलिया आनी चाहिए उसके साथ। बट अब सुनो ना मेरी बात, इतना फास्ट मेरा अपडेशन होता नहीं, अभी इन लोगों का कैसे अलग ही है। अब देखो नॉमिनी कह रहा है नॉमिनी कि अब मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, ओके वट एवर द रीजन मे बी, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब ऐसे केस में क्या नॉमिनी भी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? नॉमिनी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। अब देखो यहां पे नॉमिनी ने कहा है सोल मेंबर को कि वो यहां पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तब ऑब्वियसली बात है फिर अब दीपिका को क्या करना पड़ेगा, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अब ऐसे केस में दीपिका विल नाउ हैव टू अपॉइंट अनदर नॉमिनी इन हिज प्लेस, ओके विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। और इसी के बारे में आपको आरओसी को भी बताना पड़ेगा कि हे मम्मा देखो ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। अब ये चेंज करना पड़ेगा ना, कौन सा वाला? इसमें कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ खड़े हैं मेरे को नहीं बोला था ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है मैंने
हाँ ये तो भी ठीक है, सो रहे हैं. ऐसे यहाँ पे GIF आएगा क्या? ओके तो यस, इसको क्रॉस दबा देती हूँ. अभी भक्ति भावना कोई गीत सुनना पड़ेगा. बहुत वाहियात बातें हो गई क्लास में. तो देखो द प्रोसेस आपको समझ गया होगा दैट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन द कंपनी देर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो. देर आर सर्टेन कंप्लायंसेस दैट यू ऑल नीड टू डू. और ये जो प्रोसेस है ना, आई एम 100% श्योर यू ऑल विल बी एबल टू टेल इट टू मी. पहले एक हिस्सा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा हिस्सा आप खुद मुझे बताना. आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू गिव मी द आंसर. देखो दो चीजें हो सकती है. एक तो यस, जहां पे नॉमिनी खुद बोल रहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ नॉमिनी, तो उसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी हिमसेल्फ. विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी हिमसेल्फ. यहां पर सबसे पहली बात तो कौन छोड़ के जा रहा है? तो अगर उसने डिसाइड किया है कि उसको नॉमिनी की तरह कंटिन्यू नहीं रहना है, वो सबसे पहले नोटिस देगा दो लोगों को, सोल मेंबर को और ओपीसी को. सोल मेंबर मतलब दीपिका, और ओपीसी को. ओपीसी को बेसिकली द नोटिस विल बी रिसीव बाय द डायरेक्टर्स. और आप लोग जानते हो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, है ना? कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, बट यूजुअली डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. तो अगर आप कोई नोटिस कंपनी के नाम पे देते हो, कंपनी तो कठपुतली है, वो थोड़ी ना नोटिस लेगी, खोलेगी, रीड करेगी. कौन करता है? उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स करते हैं, उसके बिहाफ पे. तो यहां पे क्योंकि रणबीर कपूर दीपिका को छोड़ के जा रहा है, उसको नोटिस देनी पड़ेगी दो लोगों को, सोल मेंबर और ओपीसी को. कौन दो लोगों को? बोलो, सोल मेंबर और ओपीसी को. उसके बाद क्या होगा? जैसे ये नोटिस दीपिका जी को मिलती है, दीपिका को 15 दिनों के अंदर नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, और इसी नए नॉमिनी का कंसेंट आपको लेना पड़ता है इन फॉर्म नंबर INC3. देखो कंपनीज एक्ट में जितने भी फॉर्म्स हैं, सारे के सारे फॉर्म्स अल्फा न्यूमेरिक है. अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा मींस अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक मींस नंबर्स. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स. तो ये जो INC, यस INC इज बिकॉज ऑल दीज प्रोविजंस आर गिवन इन चैप्टर नंबर 2, एंड चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू. चैप्टर 1 में दो ही सेक्शंस है. चैप्टर 1 में दो ही सेक्शन, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंट एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन नंबर 1, एंड सेक्शन नंबर 2 वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन. फिर 3 से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड. और चैप्टर 2 में जितने भी सेक्शंस है ना, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है सेक्शन नंबर 3 से और वो जाता है अप टू सेक्शन नंबर 22 तक. देखो आप सेक्शन नंबर 22 तक हमारा जाता है चैप्टर नंबर 2. सही है गलत? इन सेक्शंस में कोई भी फॉर्म अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो ये फॉर्म का नंबर शुरू होगा विद INC. जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 7 आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी.
इन कॉर्पोरेशन में आप देखोगे सारे के सारे फॉर्म्स शुरू होते विद INC ओनली, बिकॉज सेक्शन 7 इज इन चैप्टर नंबर 2 रिलेटिंग टू इन कॉर्पोरेशन. तो अब नॉमिनी को अपॉइंट करना इन कॉर्पोरेशन के वक्त ही होता है, अरे हाँ या ना. बट अब आप नॉमिनी को रिमूव भी कर सकते हो या नॉमिनी खुद अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है. एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू दीज मैटर्स ओनली, क्योंकि देखो ना इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, इट्स इंसिडेंटल टू द सेम थिंग. और इसीलिए यहीं पे इसी चैप्टर में हमने उसका फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है. इसलिए इनिशियल्स जो है, जो अल्फाबेट्स है वो INC, और इसी चैप्टर 2 का फॉर्म नंबर 3 जो है दैट इज अबाउट द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी हु इज बीन अपॉइंटेड इन अ 1-person कंपनी. तो जैसे ही रणबीर कपूर विड्रॉल का नोटिस देता है, जैसे ही रणबीर कपूर विड्रॉल का नोटिस देता है 15 दिनों के अंदर दीपिका को नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और उसका रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर INC 3. और ये सारी बातें जो ही है कि आपको मम्मी को इस बारे में बताना पड़ेगा. तो आप मम्मी को बताओगे 30 दिनों के अंदर, मम्मी को बताओगे इन फॉर्म नंबर INC 4. तो INC 4 में दो बातें आप मम्मी को बताओगे. कौन सी दो बातें? कि हमारे पुराने नॉमिनी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया और हमने इसीलिए उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर लिया है एज आर न्यू नॉमिनी. इन्हीं दो चीजों के बारे में आप मम्मा को बताओगे इन फॉर्म नंबर INC 4. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू द ROC यू विल आल्सो हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस. अब मैं चाहती हूं आप कोशिश करो, कोशिश तो कर ही सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी हुआ तो जवाब इट्स ओके. क्या आप एज अ सोल मेंबर नॉमिनी को रिमूव कर सकते हो? सो नाउ वी आर लुकिंग इनटू द प्रोसेस वेर इन यू आर रिमूविंग द सोल मेंबर. नहीं बताओ पहले आप, सबसे पहला स्टेप किसने लिया है, सोल मेंबर ने या नॉमिनी ने? तो नोटिस कौन देगा? जो करेगा वही नोटिस देगा ना. बट अब सोल मेंबर कौन दो लोगों को नोटिस देगा? ओल्ड नॉमिनी को और OPC को. कौन दो लोगों को? ओल्ड नॉमिनी को और OPC को. जैसे ही आपने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया, 15 दिनों के अंदर आपको नए नॉमिनी को अपॉइंट करना होगा. और क्या नए नॉमिनी का भी कंसेंट लेना होगा? कौन से फॉर्म में कंसेंट लेते हो? INC 3. इन्हीं दो चीजों के बारे में क्या मम्मी को बताना जरूरी है? अभी क्या बताओगे मम्मी को कि मैंने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया है और उसके जगह पे नए नॉमिनी को अपॉइंट कर दिया है? 30 दिनों के अंदर मम्मी को इस बारे में बताओगे इन फॉर्म नंबर INC 4. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू द ROC यू आल्सो हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस. यस और नो गाइस? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द नॉमिनी और अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू नॉमिनी इन केस द ओल्ड नॉमिनी विड्रॉज हिज कंसेंट. अभी तक OPC से रिलेटेड प्रोविजंस कंप्लीट नहीं हुए हैं. यहां पे मैं चाहती हूं ना, जहां टेक्स्ट बुक में ये PPT दिया है पेज नंबर 2.12, वहां पे दीपिका, रणवीर, रणबीर का एग्जाम्पल लिख दो आप, तो आपको क्लिक हो जाएगा. RK RS. लिख लिया? बस कुछ एक दो बातें बची है OPC की एंड देन इट कम्स टू एन एंड. OPC फिफ्टीन डेज के अंदर आपने जो कंसेंट लेटर दिया है वो आप ROC को दे रहे हो, ओके. बट बाकी की जो डिटेल्स है कि क्यों आपने चेंज किया, क्या उसने कंसेंट विड्रॉ किया है या आपने उसको निकाला है और उसकी जगह पे आपने इस बंदे को अपॉइंट किया है, दैट हैज टू बी डन. हाँ, ओके, डन. ये देखो सेक्शन कहता है, यहां पे प्रोविजन कहता है द रूल्स दैट
OPC cannot be incorporated or it cannot be converted into a Section 8 company. What a Section 8? इसलिए मैंने सबसे पहले Section 8 companies. Not for profit organizations. क्या not for profit organization को हमने पहले से ही बहुत सारे privileges दिए हैं? Yes. हाँ या ना? Yes. अब ऐसे केस में अगर आपने सेक्शन 8 कंपनीज को ऑलरेडी साइलेंट पे रख दो ना आपका फोन, वेरी गुड. और प्लीज अपने घर वालों को बोल देना कि 1:30 बजे तक, 1:45 तक क्लास रहती है, ठीक है? गुस्से से क्यों देख रहे हो? हाँ ना, मारेगा क्या भी? लाइटली लो, इतना टेंशन मत लो, ठीक है? ओके ओके, लिसन नाउ. ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड अंडर अ सेक्शन 8 कंपनी. इसका क्या मतलब होता है कि आप अगर ओपीसी की तरह इनकॉर्पोरेट हो रहे हो, यू कंपल्सरी हैव टू बी डूइंग बिजनेस. यू कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर और विथ सम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज को ऑलरेडी हमने प्रिविलेजेस दिए हैं. एंड एज एन ओपीसी ऑल्सो ना, ओपीसी एक तो प्राइवेट कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस आपको अप्लाई नहीं है, करते हैं. एंड प्लस इवन एज एन ओपीसी वी हैव गिवन यू सर्टेन बेनिफिट्स बिकॉज वी वॉन्ट टू एनकरेज पीपल टू डू बिजनेस एज अ कंपनी. We want to move into corporatization. We don't want people to do business in the form of partnerships and LLPs. तो obviously बात है, अगर मैं अकेली हूं, compliance कहां पे कम होता है? Sole proprietorship में. क्योंकि अगर कल जाके मैंने OPC incorporate कर दिया, मतलब तो companies act मुझे applicable हो जाता है. और companies act में इतने sections, rules, regulations, मेरे लिए बहुत बड़ा burden हो जाता है. मैं बिजनेस करूं या कंप्लायंस, तो ये फील ना आने के लिए एक तो हमने कहा है ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी रहेगी. एंड प्लस मोर ओवर एज अ प्राइवेट कंपनी इट्स बीन गिवन मोर एडवांटेजेस एंड सर्टेन एग्जेम्पशंस. अब अगर आप ओपीसी भी हो, सेक्शन 8 कंपनी भी हो, क्या आपको डबल डबल एडवांटेजेस मिल रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी. इन फैक्ट ओपीसी ऑल्सो कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. ओके, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. हैव यू एवर हर्ड अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? सो दीज कंपनीज बेसिकली आर नॉट बैंक्स, बट दे डू व्हाट बैंकर्स डू. बैंक्स क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना. डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना. But now these companies do what bankers do, but they are not incorporated as banks. इसलिए नाम ही कहता है non banking financial companies. Reliance Capital Limited. Reliance Capital Limited is a non banking financial company. वही करती है जो usually banks जो करते हैं, but now they are not registered as banks. They are not registered as banks. आप public का पैसा ले रहे हो, public को पैसा दे रहे हो, क्या public interest involved है? और अगर public interest involved है, is the government more cautious? पहले ही इतने सारे कांड हुए हैं, जिसके वजह से हमने 1956 act को repeal कर दिया और 2013 की act को लाया है. और 2013 की एक्ट में भी अगर ये सब होने लग गया ना, पब्लिक जो है, आम जनता,
इस ट्रॉमा को सहन नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी वो. सो वी हैव बिकम मोर कॉशियस. वी वॉन्ट मोर एंड मोर रेगुलेशंस ऑन कंपनीज विच आर इन्वॉल्व्ड विद द फंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. और अगर आप ओपीसी के रूप में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने लग जाओगे, आप प्राइवेट कंपनी हो प्लस ओपीसी हो, तो इतने कम कम सेक्शंस आपको अप्लाई करने हैं. हमारा कंट्रोल कम हो गया है आपके ऊपर, विच वी कैन नॉट स्टैंड. पब्लिक का पैसा है, हम तो कंट्रोल ज्यादा चाहते हैं. एक एग्जाम्पल लेती हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल. गर्मी की छुट्टियों में चलो आपका अटेम्प्ट हो गया मई में, फिर आप मम्मी के साथ मामा के घर पे चले गए गर्मी की छुट्टियों में रहने के लिए. अब मामा भांजा या भांजी जो भी है क्लोज रहते हैं, मतलब जो भी लाड़ रहता है मामा कर लेते हैं, मम्मी ने अगर मना किया तो. अब आपने कहा मुझे गाड़ी चलाने सिखाओ मामा. अब मामा आपके बड़े आदमी है, मस्त बड़ा बंगलो है, बड़ा कंपाउंड है, इतना बड़ा कंपाउंड है 50-100 लोग तो पार्टी वार्टी कर सकते हैं, 8-10 गाड़ियां लग सकती है. आप कह रहे हो मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओ, तो मामा क्या करते हैं वही जगह को खाली करके आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, या सोसाइटी में गाड़ी चलाना सिखा रहे. ओके अब ये घर के अंदर, जब कंपाउंड वॉल के अंदर आपके मामा आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे कि ये एक्सेलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, जो भी है. ओके अब गलती से मिस्टेक हो गई, आपने ब्रेक की जगह पे एक्सेलेटर दबा दिया और गाड़ी जो है भिड़ गई ना कंपाउंड वॉल पे. अब बताओ ये जो एपिसोड हुआ है इससे किसको फर्क पड़ेगा? बट बाकी लोगों को, आम जनता को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आपके मामा, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका पैसा. आपको जो करना है करो, आपको पैसों को डुबाना है डुबाओ, बढ़ाना है बढ़ाओ, जो करना है कर दो. हमको, हम मतलब कौन, आम जनता को इससे कोई भी लेना देना नहीं है. बट वही मामा जी अगर पब्लिक रोड्स पे आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे और आप सिग्नल पे ब्रेक दबाने के बजाय एक्सेलरेटर दबा देते हो, भिड़ गई ना गाड़ी दूसरी गाड़ी से, अब इससे क्या हमें फर्क पड़ता है? क्योंकि आपके रिस्क पे पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए. तो आप ही बताओ मुझे, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स, ये सारे नॉर्म्स घर के अंदर होते हैं या पब्लिक जगहों पे होते हैं? बिकॉज वहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड होता है, क्योंकि वहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड होता है. सो दैट इज व्हाई वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क. यहां पे आप पब्लिक का पैसा ले रहे हो, पब्लिक को पैसा दे रहे हो, यू आर इन्वॉल्व्ड विद द मनी ऑफ द पब्लिक. वी डोंट वांट एनी रिस्क एंड दैट इज व्हाई वी डोंट अलाउ एन ओपीसी टू डू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ओके you can still accept money in the form of deposits, shares, debentures. You can take loans and then you can give it to other people. So it's not only about your money. When you are doing business, shareholders ka jo funds hota hai, those funds is in the form of ownership. But apart from being an owner, you may take funding from the public in the way of deposits, by issue of debentures. So public is being involved over here, na? It's kis mein beta, main wahi to bol raha hu, yahan pe to ek hi member hai. Abhi tumhe kya bol rahi hai, ye kya hua hai? Deposit kar liya maine aapki OPC mein, deposit rakha hai, to batao mujhe mera paisa aapke paas hai ya nahi, hai ya nahi hai? Aise main itna hi hu, lakhon log hai. तो वही हो गया ना, तुम बेसिक चीज नहीं समझ रहे. कल जाके अगर मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी बनानी है, क्या मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे क्या? फिर भी मेरे पैसे हैं या नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में? समझो आप,
समझ में आई क्या बात? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट किसी के पास रखनी है यू हैव टू बिकम अ मेंबर. बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ और ही लोग है, हो सकता है उन्होंने तो अपना FD ICICI में बनाया है. ये वही एक्टिविटीज कर रही है. बैंक करती है क्योंकि बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई करता है, RBI एक्ट अप्लाई करता है, NBFCs को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही अप्लाई नहीं करता बिकॉज दे डू व्हाट बैंकर्स डू बट दे हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड एज अ बैंक. दैट्स व्हाट हाउ इट इज. और इसीलिए तो हम नहीं चाहते. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इतनी स्ट्रिक्ट है, एक रुपया छोड़ो, पैसे पैसे का हिसाब रखती है. बट ये तो नॉन बैंकिंग बैंकिंग एक्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप वही काम कर रहे हो जो बैंक्स कर रही है. कितना रिस्की है. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ये सब कांड चाहिए नहीं हमको. ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर ही नहीं सकती है. समझ में आ रही है ये नहीं बात? पक्का? ये देखो, ओके ये एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल नंबर वन, सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको ऐसा कुछ MCQ पूछ लिया, ठीक है? ये क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर वन? देखो, राजेश फॉर्म अ 1-person कंपनी विथ हिज वाइफ रूपाली एज द नॉमिनी. सोल मेंबर कौन है? और रूपाली कौन है? फॉर द लास्ट 2 years हिज वाइफ रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वॉन्ट्स टू चेंज हर एज अ नॉमिनी. He has a trusted and experienced friend, Ram Nivas, who could be the nominee. Or Rajesh, his son, who is 17 years of age. Ab aap batane, or his son, Rakshak. Toh matlab Rajesh ka beta, Rakshak hai. So बेसिकली राजेश सोल मेंबर है, उनकी वाइफ नॉमिनी है. अब उसको चेंज करना है अपने नॉमिनी को. उसके पास 2 ऑप्शन है, उसका एक खास दोस्त और उसका बेटा. अब आप बताओ कौन एलिजिबल है? बोथ, दोस्त या बेटा या नन? दोस्त. बेटा नहीं? क्यों नहीं? 17 लिखा है, मतलब ही इज अ माइनर एंड माइनर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम द सोल मेंबर और द नॉमिनी ऑफ अ 1-person कंपनी. तो यहां पे अब उसको अपने दोस्त जिसको वो ट्रस्ट करता है, जो एक्सपीरियंस भी है, उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज द नॉमिनी. यस और नो गाइस? ये वाला जो पॉइंट है ना एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज कट कर दीजिए इसको, क्योंकि नाउ मोदी जी के तहत अब फर्क नहीं पड़ता है आप रेसिडेंट हो या नहीं हो. वेरी गुड. देवांश, आर्यन, रूही, रुचि, सौमिक, धीरज, अंकित, रॉकी, कशिश, ओके. एक बार मैं आप लोगों को सारे सवाल ओपीसी से रिलेटेड पूछना चाहती हूं और मैंने बनाया है एक मास्टर चार्ट, पापा चार्ट. इसी पापा चार्ट में ओपीसी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो है वो कवर हो जाते हैं. सबसे पहली बात तो मुझे बताओ ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मैक्सिमम. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? मैक्सिमम डायरेक्टर. क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? मिनिमम नॉमिनी एंड मैक्सिमम नॉमिनी. साथ साथ में आप बताओ मुझे ओपीसी क्या इनकॉर्पोरेट हो सकता है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंपनी? नो. कैन यू चेंज योर नॉमिनी? कैन द नॉमिनी विड्रॉ हिज कंसेंट अलॉन्ग विद दैट? एक समय पे आप सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हो, एक ओपीसी के सोल मेम और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी. यस और नो गाइस? अगर गलती से आप उस कंपनी के भी बन जाते हो सोल मेंबर, 182 डेज में आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां पे कंटिन्यू करना है एज द सोल मेंबर. एंड इनफैक्ट देयर इज आल्सो वन मोर पॉइंट, ओपीसी आल्सो कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर कंपनीज. ओके, तो
वो दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकता है. Whatever is the money has to be utilized for the objective only, and this objective has to be some business. It cannot be a Section 8 company. Yes or no, guys? ये सारी चीजें OPC से related दी गई है यहाँ पे. ये पापा चार्ट फटाफट लिख लो और फिर write it in your notebook. Come to a double sheet of paper. Come to a, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डबल शीट नहीं लेना है ना, बताओ ना आपकी बुक, बताओ आप क्या कर सकते हो. हाँ, यू कैन होल्ड योर बुक्स हॉरिजॉन्टली, ऐसे डू दैट. हॉरिजॉन्टली होल्ड करके पूरा ओपीसी का यहां पे ही कंप्लीट कर दो. ले लो बेटा वो वाला, एक सिंगल पेज में हो जाएगा. प्रीवियस पेज नहीं, उसमें मत करो. डोंट राइट एनीथिंग इन दैट पापा चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. ओके, आप नए पेज पे आओ, सिंगल पेज पे, और आपकी बुक्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली होल्ड करो. हॉरिजॉन्टली चार्ट बता रही हूं. गाना बोलो कौन सा, डैंडलाइट्स. मेरे को खुद को ये गाना नहीं पता. इंग्लिश सॉन्ग है क्या, सात समुंदर पार? हाँ, वो गाना लगाती हूँ मैं, सात समुंदर पार. हाँ, रीमिक्स ही ऑब्वियसली. ये वाला 4 महीने पहले वाला ना. अरे ऐसे गाने अगर आपको पसंद है ना तो रुक जाओ, मेरे को पता है एक सनम के गाने लगाती हूँ. ऐसे गाने सुनने तो आपको जगातला नंबर वन सीरियल कारण इट डज. अभी लगा दिया. गुलाबी आंखें जो तेरी.
Are you all done with the writing part? Oh, write down fast. Tanisha keh rahi hai kabhi jo badal barse gaana laga. आदित्य कह रहा है सेनोरीटा, कौन सा सेनोरीटा? इंग्लिश वाला. ठीक है, वर्चुअल स्टूडेंट की बात सुन लेती हूँ. नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, उनको भी इज्जत देनी पड़ेगी. अच्छा ये वाला, ओके ओके समझ गया. इसका वीडियो नहीं बता सकते. अच्छा सॉन्ग है, खुश हो जाओ आदित्य. Are you all done with the writing part? नहीं तो गाना खत्म होने तक आप बोलोगे नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ. समझ लिया मैंने आपको. हाँ, वो कैन नॉट इनकॉर्पोरेट.
I think you all are done with the writing part. Okay. ओके okay. आप लोगों ने वो जो पापा चार्ट है उसमें आप लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिखा है? सिर्फ क्या लिखा है? प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी अनलिमिटेड होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, सेक्शन 8 नहीं हुआ है। ओपीसी का तो आपने पापा चार्ट ही बना लिया है, सही ना? और फॉरेन कंपनी भी नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ 8-10 मिनट बचे हुए, आप लोग एक काम करो, आप में से कोई भी आप लोग मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ गवर्नमेंट कंपनी और एग्जांपल्स दो। चलो ऐसे बोल दे रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, मैं लिस्ट ही बता दूंगी कल। अभी दे दो तो इसको माइक, फिर वहां पे पीछे पास कर लेना, यहां पे भी कुछ बच्चे दे दो। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ कंपनी इन विच स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव मोर देन 51% ऑफ शेयर्स। ओके, और कोई है जो बताना चाहता है? दोनों तो क्या कर रहे हैं? वहां पे पास कर, यहाँ पे भी किसी ने हाथ उठाया था, वहां पे भी किया था किसी ने हैंड रेज। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इधर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली ओके ओन मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स। वेरी गुड, प्लीज क्लैप हैंड्स फॉर हिम। अच्छा, जरूरी नहीं है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, जरूरी भी नहीं है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और ये जो इन्वेस्ट किया है आपने इस कंपनी में, आप देखो ये डेफिनेशन मुझे बताने आप लोगों को, जूम इन करती हूं। ये देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इवन अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। आगे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, पहले जब डेफिनेशन दी थी गवर्नमेंट कंपनी की तब कहा था यू शुड बी होल्डिंग नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, बट एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है जब कंपनी के शेयर्स एक ही क्लास के हैं, जब कंपनी के शेयर्स एक ही क्लास के हैं तब हम उसको पेड अप शेयर कैपिटल मानेंगे। इफ यू हैव शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स then in that case it will be considered as 51% of the total voting power, kyunki agar shares ek hi category ke hai jitne shares sabhi ka voting same hi hota hai, but agar aapke shares with differential voting rights hai tab we have to see not the amount of share capital that you have held but the amount of वोटिंग पावर दैट यू हैव। और यहां पे देखो नॉट लेस देन 51% दिया गया है। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं
usually they are held in the name of the President of India. You all should be knowing this, it's general knowledge. State government ke jo shares hai, are held in the name of the governor. Itne sare examples hai government company ke. To name a few, kyunki yahan pe Bajirao road pe uska office hai, BSNL. Okay, BSNL, MTNL. Okay, 56.25% stake is held by the government. Aur kuch? Bhel, SAIL, Hindustan Petroleum. Ek minute. Ye kya hua? देखो ये 7 नंबर पे आपको दिख रहा है BSNL, फिर भारत पेट्रोलियम, उसके साथ साथ आपने सुना होगा कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड की भी 7 सब्सिडियरी कंपनीज है, होल्डिंग सब्सिडियरी. फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन रेलवेज, ONGC, किसी ने यहां पे कहा था क्या? Oil and Natural Gas Corporation Limited are examples of SAIL का मैंने बताया था ना, भेल, SAIL, Steel Authority of India Limited. भेल ऊपर होगा, B, ये रहा. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. ओके, अब ये लिस्ट चेंज होते रहता है. Even a subsidiary company of a government company is considered as a government company. इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड हैज दीज 12 सब्सिडरी कंपनीज. कोल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट कोल इंडिया लिमिटेड हैज 12 सब्सिडरी कंपनीज. These companies will be deemed to be government companies. इसलिए जानबूझ के ये पीपीटी मैंने लगाया. तो अब देखो यहां पे मैं कह सकती हूं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच ईदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर. और इसको हम कहेंगे डीम्ड सब्सिडरी कंपनी. कौन सी कंपनी को डीम्ड सब्सिडरी कंपनी कहेंगे? अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. नहीं आई बात समझ में? तो पहली बात तो माय डियर फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड है ना एक गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि उसमें नॉट less than 51% of the voting power is held by the government. But Coal India Limited ki hai apni ye 12 subsidiary companies, inko deem kiya jayega, mana jayega as a government company. Getting this or no my dear friends? Sure? 100%? Pakka? Itta bas ek chitthi pe likh do aur fir aaj ke liye ho gaya. ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आप आपके नोटबुक पे ही लिख दो. एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन सिलेबस, इंटर के मॉड्यूल में नहीं है ये, बट इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है. इंटर के मॉड्यूल में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन नहीं किया है सेक्शन नंबर 2 में.
But whatever was a part of foundation is a part of inter, and that is why I am teaching you. Very good, Arvind, Abhishek, Ankit, Dheeraj, Shrutam. Are you all done with the writing part? About tomorrow's class? Ek minute ka samay do, I'll just confirm and I'll let you all know. एक मिनट का प्लीज समय दीजिए, आई जस्ट कंफर्म एंड आई लेट यू नो. ओके, सो टुमारो इज अ हॉलिडे. आई विल बी meeting you all day after tomorrow. Enjoy your holiday. Thank you so much. Bye bye. Bye bye, virtual kids. All the Gurukul kids, you all are invited to CNC tomorrow, okay? Exact timing जो है मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगी, कितने बजे आप लोगों को आना है. क्या शिफ्ट ना, एक तारीख या दो तारीख को. बॉयज कह रहे हैं हमको लड़कियों के साथ ही रहना है स्टैंडा में. मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे. कर उसने भी कहा था वो राजस्थान ने.